नमस्कार, मैं हूं अंजलि और आप देख रहे हैं आरपीएस समाचार। तो चलिए शुरुआत करते हैं आज की बड़ी खबर से। बीटीसी डीएलएड की परीक्षा में 55% प्रशिक्षु हुए पास, फेल विद्यार्थियों को करना होगा ये काम। शिक्षक बनने के अंतिम चरण की परीक्षा में 45% से अधिक प्रशिक्षु फेल हो गए, जबकि 55% शिक्षकों ने सफलता प्राप्त की। बीटीसी 2013 में 2015 डीएलएड 2017, 2018, 2019 और 2021 सत्र के द्वितीय और चतुर्थ सेमेस्टर का परिणाम परीक्षा नियामक प्राधिकारी कार्यालय ने घोषित कर दिया है, जहां आधिकारिक वेबसाइट पर विद्यार्थी अपने परिणाम को देख सकते हैं। प्रयागराज शिक्षा बनने के अंतिम चरण की परीक्षा में 45% से अधिक प्रशिक्षु फेल हो गए हैं, जबकि 55% शिक्षकों ने सफलता प्राप्त की है। बीटीसी 2013 और 2015, डीएलएड 2017, 2018, 2019 और 2021 सत्र के द्वितीय और चतुर्थ सेमेस्टर का परिणाम परीक्षा नियामक प्राधिकारी कार्यालय ने घोषित कर दिया है, जहां आधिकारिक वेबसाइट पर विद्यार्थी अपने परिणाम को देख सकते हैं। परीक्षा के लिए 136,578 प्रशिक्षु पंजीकृत हैं, जिनमें से 132,548 शामिल हुए हैं। उनमें से 73,186 सफल हैं, जबकि 59,267 फेल हो गए हैं। वहीं 10,829 प्रशिक्षुओं का परिणाम अपूर्ण है। 2 प्रशिक्षुओं का रिजल्ट अनुचित साधन का प्रयोग करने के कारण घोषित नहीं हुआ है। समिति के निर्णय के आधार पर परीक्षा होगी। डीएलएड 2021 द्वितीय सेमेस्टर में पंजीकृत 91,161 प्रशिक्षुओं में से 89,046 शामिल हुए, इनमें से 53,041 पास हैं और 35,953 फेल हो गए हैं। वहीं डीएलएड 2019 चतुर्थ सेमेस्टर में पंजीकृत 3,741 प्रशिक्षुओं में से 36,545 सम्मिलित हुए, इनमें से 18,272 पास हैं और 18,227 फेल हो गए हैं। डीएलएड 2019 सेमेस्टर में पंजीकृत 1,818 में से 767 शामिल हुए, जिनमें से 335 पास हुए और 427 फेल हो गए। डीएलएड 2018 में पंजीकृत 4,443 में से 4,310 सम्मिलित हुए, जिनमें से 908 पास और 3,322 फेल हैं। इस बाबत परीक्षा अधिकारी ने बताया कि छात्रों के लिए जल्दी समिति के अनुसार तय किए गए निर्णय के आधार पर अगले सत्र में परीक्षा का आयोजन किया जा सकता है। खबरों में अब तक लिए बस इतना ही। मिलते हैं फिर ऐसी ही बड़ी खबर के साथ, तब तक के लिए नमस्कार और देखते रहिए आरपीएस समाचार।